बिहार में ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। फिर एक बार मौसम विभाग ने खौफनाक अलर्ट जारी किया है। सूबे में 29 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। इस दौरान बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से कपकपाने वाली ठंड का एहसास होगा। पटना मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दक्षिण बिहार में कोल्ड डे के हालात बने रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले 5 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ठंड इस बार तो बहुत ज्यादा ठंड है। पहली बार ऐसा ठंड देख रहे हैं। और कामकाज भी इतना नहीं है। कारोबार कामकाज में भी बहुत मंदा आ गया है। गाड़ी घोड़ा नहीं भी चलता है। ठंड के कारण कोई आता है ना कोई जाता है कहीं। कैसे बचाव हो रहा है ठंडा का? ठंडा का बचाव क्या होगा भैया, हम लोग मजदूर आदमी है, काम करना ही पड़ता है किसी तरह पेट के लिए। और क्या। उधर राज्य के 2 दर्जन शहरों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतर जगहों पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रिकॉर्ड हुआ है। वहीं डेहरी, औरंगाबाद, कैमूर, पटना, गया, दरभंगा, शेखपुरा, जमुई, पूसा, वैशाली, नवादा, जीरादेई और बक्सर भीषण कोल्ड डे की चपेट में है। ठंड तो क्या बताए, अपने लाइफ में इस तरह का ठंड नहीं देखे थे। अच्छा। हाँ, दिल्ली वगैरह में हम देखे जाए रहे थे तो इस तरह का देख रहे थे कि दिल्ली दिल्ली में है, यूपी में ऐसा हो रहा था, बिहार में भी कहीं कहीं हो रहा था, लेकिन खास के हमारे सीमाचल में इस तरह का हम अपने लाइफ में नहीं देखे। पहली बार ऐसे देखने मिल रहा है। किस तरह का बचाव हो रहा है? इस तरह का कि बोलती बंद हो जाता है इंसान की, बोल भी नहीं पा रहे हैं, कोई खास से खास काम है तो वहाँ चल नहीं पा रहे हैं, सारे कारोबार ठप पड़ा हुआ है, चलने फिरने में आदमी परेशान है। बहुत ज्यादा ठंडा है। अच्छा, कैसा ठंडा लग रहा है? पहले ऐसा था कभी? आज से 10-12 साल पहले चल रहा था इस तरह। तो बचाव कैसे हो रहा है? बीच बचाव ठंडी का कपड़ा से, आग से। जी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई लकड़ी का व्यवस्था? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की। नहीं व्यवस्था ना। प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से भी पता नहीं है कहाँ क्या किया है, नहीं किया। बिजली की क्या स्थिति है आपके यहाँ ठंड में? मिला जुला करके ठीक है। ठंड है? ठंड तो बहुत है भैया। हाँ, ठंड इतना परेशान कर दिया है कि आदमी को पूरा ठंडा कर दिया है ठंड से। जी, ठंड इतना है कि बहुत ही ठंड है। कैसा महसूस हो रहा है ठंड में? तो क्या लग रहा है कि कहाँ पे है? लग रहा है कि हम लोग अभी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग के ठंड है? तो फिर इसके लिए क्या उपाय है? इस तरह के लिए वही उपाय है कि गर्म कपड़ा पहनना चाहिए हम लोगों को और सतर्क रहना चाहिए। हाँ। रोड घाट में हम लोगों को कपड़ा उपड़ा पहन के घूमना चाहिए और आग उग सेकना चाहिए। अच्छा। और हाँ।